ज्योतिका, आप एक कामयाब सिंगर हैं। आपकी अपनी मौलिक आवाज़ ही आपकी पहचान है। गायकी का यह हुनर आप में कहाँ से आया? अलग-अलग शेड्स और विभिन्न भाषाओं में गाने गाना आपको कितना चैलेंजिंग लगता है? और अपने अब तक के कैरियर में ऐसा कौन सा गीत था जिसके लिए आपको बहुत तैयारी करनी पड़ी और यह गीत सुपरहिट हुआ हो? हेलो, नमस्कार। मैं हूँ ज्योतिका तांगरी और मेरे सभी गानों को और मेरे काम को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत दिल से आपका सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और रही बात कि इतने कम समय में एक ऐसे मकाम पे पहुँच जाना, इतना सारा अच्छा काम करना जिसका मैं कभी सपना देखा करती थी, वो बिल्कुल नामुमकिन होता आप सबके प्यार के बिना और मेरी फैमिली और मेरे गुरु जी के आशीर्वाद के बिना। सो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, मैं ऐसा मानती हूँ। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि अच्छी तालीम का बहुत बड़ा रोल होता है, तो उसमें मैं बहुत लकी रही हूँ। और मेरे गुरु जी श्री धर्मेंद्र कथक जी, जो कि जयपुर घराने से थे, 6-7 साल की जब मैं थी तब से मुझे वो मिले थे और उनसे मैंने सीखना शुरू किया था हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। और सिर्फ वही नहीं, उसके अलावा उन्होंने मुझे हर तरह का म्यूज़िक गाने और सुनने के लिए, सीखने के लिए हमेशा इनक्रेज किया। और उसी की एक मिसाल है कि एक 21 भाषाओं में एक मैं एक्ट करती हूँ हमेशा, जहाँ भी जाती हूँ परफॉर्म करती हूँ, तो 21 भाषाओं में अलग अलग गाने फटाफट फटाफट मैं से स्विच करके गाती हूँ। तो ये जो एक हुनर है उन्होंने मुझे बहुत अच्छा एक अलग सा सिखाया। और देखा जाए तो काफ़ी मुश्किल लगता है सुनने में, लेकिन उन्होंने मेरे लिए बहुत आसान बना दिया, क्योंकि 15 साल तक लगातार मैं म्यूज़िक सीखती थी उनसे, तो हर साल कुछ कुछ दो तीन करके गाने उन्होंने मुझे सिखाए। और फिर आखिरकार 21 लैंग्वेजेस में मैं फटाफट फटाफट स्विच करके एक ऐसा एक्ट हमने तैयार किया कि मैं उसमें गाती थी। और आप सबको शायद पता नहीं होगा, लेकिन मेरा सबसे पहला सिंगिंग रियलिटी शो था एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, और उसमें यही एक्ट था जो मैंने परफॉर्म किया था, और परफॉर्मर ऑफ द डे भी बनी थी और मुझे कैश प्राइज भी मिला था। सो ये एक बहुत ही अद्भुत सी चीज़ उन्होंने मुझे सिखा दी। उसके अलावा जो भी गाने मैंने अभी तक गाए हैं, उन सब में से मुझे लगता है कि बाजरे दा सिट्टा एक ऐसा गाना है जिसके लिए बचपन से ही शायद मेरी तैयारी शुरू हो गई थी, क्योंकि ये डेस्टिनी में था शायद, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। क्योंकि बचपन में एक बार एक स्कूल के कंपटीशन के लिए मैंने तैयारी करनी शुरू की थी बाजरे दा सिट्टा के लिए, क्योंकि मुझे वहाँ वो गाना था। और तब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बड़े होकर मेरे खुद का एक ऑफिशियल वर्जन बाजरे दा सिट्टा का रिलीज़ होगा, मेरे नाम से ये गाना भी बाहर आएगा और इस लेवल पे सब प्यार देंगे उस गाने को, मैं कभी नहीं सोच सकती थी। तो मुझे लगता है बचपन से वो जो मेहनत चालू थी उस गाने के लिए, उसका मुझे आज जाके फल मिला है। पंजाबी हिट फिल्म बाजरे दा सिट्टा में आपके गाए गीत बेहद पॉपुलर हो चुके हैं। इस फिल्म के गीतों की अपार सफलता का श्रेय आप अपनी आवाज़ के साथ और किसे देना चाहेंगी? इस फिल्म का एक बेहद लोकप्रिय गीत सारी रात तेरा तकनिया रा आप अपने चाहने वालों के लिए गुनगुना के सुना दीजिए। बाजरे दा सिट्टा जैसी फिल्में हमेशा नहीं बनती, मुझे लगता है कि एक कई सालों में एक बार ऐसी फिल्म आती है जिसमें इतना प्यारा म्यूज़िक होता है, पूरी की पूरी एल्बम ऐसा लगता है कि बहुत ही सहेज के, चुन चुन के बनाई गई है, और एक भी गाने में कुछ भी कमी छोड़ी नहीं गई है। मुझे लगता है कि लिखने से लेकर उसकी कॉम्पोजिशन, उसका म्यूज़िक, हर चीज़ में इतना ज़्यादा ध्यान दिया गया है अच्छे से कि वो एक मास्टरपीस बन चुका है हर एक गाना, और पूरा एल्बम तो बहुत ही बाकमाल निकल कर आया है। सो ऐसी एक एल्बम का हिस्सा होना, ऐसी एक फिल्म का हिस्सा होना मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मेरी आवाज़ में आप उसमें 5-6 गीत, और पूरी फिल्म के दौरान आप जो भी हमिंग्स है, तानिया जो फिल्म की कैरेक्टर है उसकी आवाज़ में बनी हूँ, तो उसमें आप मुझे लगातार फिल्म में सुन सकते हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बहुत अलग एक्सपीरियंस था और बहुत नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि पूरी फिल्म में एक कैरेक्टर की पूरी आवाज़ आजकल इस तरह से नहीं होता, पहले इस तरह से हुआ करता था, लेकिन अब ये फैशन चला गया, ये ट्रेंड चला गया है। लेकिन इस ट्रेंड को वापस लाने का पूरा श्रेय जो है वो जस ग्रेवाल जी को मैं देना चाहूँगी। और जस जस ग्रेवाल जी के साथ मैंने पहले भी एक बार काम किया था, हालांकि मेरी मुलाकात उनसे पहले हुई नहीं थी। जयदेव कुमार जी जो म्यूज़िक डायरेक्टर है, कंपोज़र है, उनके साथ हमेशा से मेरा जो है बहुत अच्छा काम हुआ है। उन्होंने मुझे बॉलीवुड का भी और बॉलीवुड का भी मेरा जो है ब्रेक दिलवाया है, सोनी के गाने गा के मेरी एंट्री हुई है इंडस्ट्री में। तो जयदेव कुमार जी का ही एक गाना मैंने गाया था जस ग्रेवाल जी के फिल्म के लिए, जिसको आपने सुना होगा ज़रूर, कंदा कच्चियाँ ने, इसको भी बहुत प्यार मिला है।
उसी गीत के बाद जस जी ने ये डिसाइड किया था कि उनकी अगली फिल्म के लिए मैं गाऊंगी, और उन्होंने फिर मुझे बाजरे द सिट्टा के लिए इस कैरेक्टर की आवाज़ बनाया। तो मुझे लगता है जस जी का बहुत बड़ा हाथ है, और वो सिर्फ उन्होंने डायरेक्शन ही नहीं, उन्होंने गाने लिखे भी हैं, उसमें बहुत सारा उनका इनपुट रहा है। और एक एक जो चेंज ओवर है, ट्रांजिशन है, और आवाज़ को किस तरह से बनाना चाहिए, कैसे प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, उन्होंने खुद बैठकर उसमें ध्यान दिया है। और डेफिनेटली जयदेव सर का तो बहुत बहुत इसमें योगदान है ही, क्योंकि उन्होंने पूरी फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी किया है, पूरा जो एसेंस जो फिल्म का एक बरकरार रहता है आप जब देखते हैं, तो वो उसी की वजह से है, क्योंकि म्यूज़िक जो है बहुत बड़ा रोल निभा रहा है इस फिल्म का। और उसके अलावा एवी सरा ने भी बहुत अच्छा काम किया है म्यूज़िक का, तो उनको भी श्रेय जाता है। ऑब्वियसली मैं नाम लेना चाहूँगी नूरचाहल का, नूरचाहल जो मेरी को सिंगर है बाजरे द सिट्टा के टाइटल सॉन्ग में भी, और फिर सोने दा चबारा, और इस तरह से बहुत सारे गाने हैं फिल्म के, तो उनके बिना तो ये नहीं हो सकता था, क्योंकि ड्यूएट गाने हैं, तो वो मेरी साथी हैं इसमें। एंड आई एम सो ग्लैड कि इतनी प्यारी एक सिंगर, इतनी अच्छी शख्स, इतनी अच्छी पर्सनालिटी है वो, और उनके साथ भी मुझे काम करके इतना मज़ा आया, सो पूरा श्रेय उनको भी जाता है। उसके अलावा तानिया ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा लग रहा है कि हम दोनों की जो आवाज़ या उनकी एक्टिंग और मेरी आवाज़ एक दूसरे के लिए बनी हुई है। सो इतना अच्छा एक मेल निकल कर आया है, और सबने बहुत अच्छे से उसको एक्सेप्ट किया है और बहुत प्यार दिया है। ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा आई थिंक एमी विर्क, उन्होंने इस तरह के एक प्रोजेक्ट को चुना है, और आजकल की जो ट्रेंड है, जो अलग सा दौर चला हुआ है कि कमर्शियल फिल्म्स करने हैं, और इस तरह के टॉपिक्स यूजुअली लोग नहीं करते, और उन्होंने इस तरह के टॉपिक को चूज़ करके एक अलग सा कैरेक्टर प्ले किया है जैसा उन्होंने अभी तक नहीं किया था। ये सारी चीज़ें, और ऑब्वियसली पूरी की पूरी टीम, मुझे लगता है सबका बहुत बड़ा योगदान है बाजरे दा सिट्टा के इतनी बड़ी सक्सेस में। सारी रात तेरा तक दिया रा को आपने इतना सारा प्यार दिया है कि इस साल का तो मेरा सबसे बड़ा गीत बन चुका है, अब तक का सबसे बड़ा हिट, और इतने सारे आपकी रील्स मैं देखती रहती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। सो आप लोगों के लिए दो लाइन ज़रूर गुनगुनाऊंगी। सारी रात तेरा तक नहीं आ रहा, तारे तो पूछ जानवे वे मैं तेरे पीछे हुई तबा, लारे तो पूछ जानवे सारी रात तेरा तक नहीं आ रहा, तारे तो पूछ जानवे।